हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम। छोटे छोटों को ढेर सारा प्यार। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मेरे वीडियो देखने में बने होंगे। और आज मैं आप लोगों के साथ नया ब्लॉग लेके आ रही हूँ, तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। आज नए ब्लॉग में मैं बताने वाली हूँ, मैं कर रही हूँ आज सिलाई, तो आप लोगों को भी दिखाऊंगी मैं क्या सिलाई। तो देख सकते हैं ये है मेरी सिलाई। तो मैं सिल रही हूँ आज सूट, ये है मेरा सूट। पजामा मैंने अभी रखा है, वो मैंने सिल दिया। तो है ये मेरी उषा वाली मशीन, मेरे पापा ने दे रखी है ये भी मुझे, देख सकते हैं। तो मैं सिल रही हूँ अपने सूट, बने रहिए मेरी सिलाई में, वीडियो में। तो आप लोग देख सकते हैं इतना हो गया मेरा सूट। किनारे सिलने हैं, बाजू जोड़ने हैं, फिर बाद में मैं आपको अपना सूट बताती हूँ। बने रहिए वीडियो में, देखते रहिए मेरी सिलाई कैसे तिरछी मिर्ची सिलाई होती है। तो मैं सिल रही हूँ सूट का बाजू, थोड़ा रह गया काम। देख सकते हो फ्रेंड्स, मैंने फाइनली सूट सिल लिया। अब इस पर बच गया तुलपाई करना। अब मैं तुलपाई करूँगी। ये बाजू हैं, कोने बाजू हैं, ये देख सकते हैं। ज़्यादा अच्छी नहीं सीधी, पर चलो काम चलाने के लिए सीधी भी। देख सकते हैं आप लोग कैसे मिले मेरे सूट। जैसे कि देख सकते हैं इसका पैंट ही है, पैंट वाला सिल रखा है, देख सकते हैं। अभी प्रेस करने के लिए है, अभी संभाल रखा था मैंने। ये तो खो गया था, बड़ी मुश्किल करके मिला सूट का पीस। पजामा है, पैंट वाला सिल रखा है, देख सकते हैं वहाँ पे। आज आप देख रहे होंगे कि मेरे गले में क्या है। अब आप लोगों को मेरी आवाज़ साफ सुनाई देगी, क्योंकि फ़ोन में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी, आवाज़ नहीं आ रही थी। तो मैंने मंगाया माइक, देखो मैंने माइक टांग रखा है यहाँ पे। अभी पार्सल वाला भैया आया, तो अभी लेके गया है। तो मैंने ये सोचा कि आप लोगों को आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, कईयों के मैसेज आ रहे थे, कई फ़ोन करके बोल रहे थे कि आवाज़ साफ नहीं आ रही, इसलिए मैंने ये माइक मंगा रखा है। तो देख सकते हैं मैंने आज ही ये माइक मंगाया, और अभी मेरा पार्सल आया, मैंने एक्सेप्ट किया। देखो माइक लेके आई हूँ मैं, ताकि आप लोगों को आवाज़ साफ सुनाई दें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब जिन्होंने कर रखा है वो मत करना, जिन्होंने नहीं किया वो कर देना। तो धन्यवाद।